पर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। कैसे भाव से तुम कर्म काट सकते हो? बहुत महावीर ने, तीर्थंकर भगवंतों ने भावना को ऊंचा स्थान दिया। दान, शील, तप और भावना, चौथा है भावना। दान दो उच्च भावों से दो, शील का पालन करो उच्च भावों से करो, तप करो चाहे नकार से करो उच्च भाव से करो, जो कुछ भी करो। बहनें मांस खमन कर रही हैं, मैं उनको नमन करता हूँ। जो मांस खमन कर रही है, मैं मांस खमन नहीं कर सकता, बहुत कष्ट होता है, अंग अंग गलाना पड़ता है, रात को नींद नहीं आती, पित्त पड़ती है, बहुत कष्ट होता है। अच्छा, कम तुम्हारे जन्मों जन्मों के निकातित कर्म टूट रहे हैं और शरीर तप कर रहा है, मैं आत्मा। जिन्होंने ध्यान शिविर किया उसको समझते होंगे, हमने लोच करवाई, पता ही नहीं लगा लोच कैसे हो गई, शरीर लोच हो रही है, मैं दृष्टाभाव में हूँ। तुम करके देखो, जो बहनें तप कर रही हैं दृष्टाभाव में तप करें, कष्ट होगा शरीर को होगा, मुझको नहीं होगा, मैं शरीर हूँ ही नहीं, बात खत्म। संबंध काट दो शरीर का, मन का, बुद्धि का, विचारों का संबंध काट दो, मैं आत्मा हूँ। बोलना नहीं है, बी प्रैक्टिकल, गो इनसाइड डीपर एंड डीपर, यू रियलाइज इट। जिनको आत्मा का अनुभव नहीं होता वो अनुभव कर सकते हैं, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक मन वचन काया को अलग करके अपने शरीर को देखते देखते रहे। आत्म प्रदेशों का संचार बह रहा है, प्रतिपल प्रतिक्षण बह रहा है, संचार बहता है, वो करके देखे और उनकी तपस्या साता से गुजरेगी और वेदना होगी, वेदना चली जाएगी और अंदर छलकेगा आनंद, भीतर से छलकेगा, क्योंकि आनंद भीतर है, बाहर है ही नहीं। सुख भीतर है, शांति भीतर है, आनंद भीतर है, प्रेम भी, सब कुछ भीतर ही भीतर है। तो जो तप कर रहे हैं बहुत कष्ट होता है, मैं मानता हूँ, पर भेद विज्ञान बनाए रखें, दृष्टाभाव कायम रखें, बहुत कुछ होगा, अच्छा है। कर्म संस्कार निकल रहे हैं, निकल जाने दो जितने निकलते हैं, पर आपको बहुत धैर्य रखना पड़ेगा, धैर्य, पेशेंस। उस समय महावीर को याद करना, चंदनबाला को याद करना, गसुकुमार को याद करना, अति मुक्त कुमार को, अभी जो मुनि जी आपको बनाएंगे तप, जो ऐसे ऐसी महारानियाँ, कनकावली तप, रत्नावली तप, कैसे कैसे तप किया सुकुमार रानियाँ, जो फूलों की शैया पर सोती थी, कैसे तप कर लिया उन्होंने, भेद ज्ञान किया, शास्त्र में चर्चा ही नहीं आती भेद ज्ञान की, ये तप किया, बे लग गया, तेल लग गया, चौल लग गया, चौल लग गया, सातमा किया, लड़ी लग गई, वो तुम कर रहे हो। और कैसे तप किया इतना बड़ा, कैसे गसुकुमार ने अंगीठी पर रख ली, भेद ज्ञान था गसुकुमार के पास, जो रानियाँ थी वो भेद ज्ञान था। तीर्थंकर भगवान पहले भेद ज्ञान की साधना देते हैं कि शरीर भिन्न और आत्मा भिन्न, जीव और जीव का बोध करवाते हैं। और चौथे आर्य के वो लोग हैं, बहुत जल्दी समझ जाते हैं, हमारे जैसे लोग नहीं जो बात को मानते ही नहीं। तो भेद ज्ञान से उन्हें तप किया कि शरीर मैं हूं ही नहीं, अच्छा है शरीर पर, और इतना तप किया कांटे जैसे हो गई। और हार, वो हार पहने बहनों, वो हार पहनो, ये हार कोई काम नहीं आएगा। मन बहुत चंचल है। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे, एक शिष्य ने कहा, भंते ये चट्टान जो बहुत ऊंची है इस पर कोई शासन कर सकता है? तथागत बुद्ध ने कहा, हाँ शिष्य, एक लोहे की हथौड़ी इस चट्टान के टुकड़े टुकड़े कर सकती है, तो चट्टान पर लोहा शासन कर सकता है। शिष्य ने फिर पूछा, भंते लोहे पर किसका शासन है? तो भगवान बुद्ध ने कहा, अग्नि, कितना ही भारी लोहा हो 1500 डिग्री टेम्परेचर पर लोहा पिघल जाता है। तो और शिष्य ने कहा, भंते अग्नि पर किसका शासन है? तो भंते भगवान ने कहा, अग्नि पर आगे वायु, क्योंकि वायु जहाँ चाहे अग्नि को भुला सकती है। तो आगे प्रश्न पूरा, वायु के ऊपर किसका शासन है? तो भगवान ने कहा, इसके ऊपर है मन,
मन वायु से भी अधिक गतिमान है, मन शासन करता है सबके ऊपर। तो मन की गति 22,66,120 मील प्रति घंटा वैज्ञानिकों ने खोज निकाली है। मन की गति एक सेकंड के अंदर 22,65,120 मील मन की गति, प्रकाश की गति 1,66,000 प्रति सेकंड, बिजली की गति 2,88,000 प्रति सेकंड। इतनी मन की गति तेज, इतना मन पावरफुल है। तो मन के बारे में दो भिक्षु जा रहे थे, एक मंदिर के किनारे गए और मंदिर की पताका हिल रही थी, तो भिक्षु में विवाद छिड़ा, ये मंदिर की पताका को कौन हिला रहा है? उसने एक ने कहा वायु हिला रही है, दूसरे ने कहा नहीं वायु नहीं अपने आप हिल रही है। तो मंदिर के पुजारी के पास आए, भाई ये पताका को कौन हिला रहा है? उस पुजारी ने कहा, समझदार था, ना पताका ये वायु हिला रही है ना ये अपने हिल रही है, तुम्हारा मन हिल रहा है इसलिए पताका हिल रही है, तुम्हारा मन हिल रहा है। तो मन चंचल है तो पताका भी चंचल हो जाए। मन, It is the mind that makes one wise or ignorant, bound or emancipated. One is holy because of his mind. अनर विकृत विकास उस माइंड, ये मन शैतान बनाता है, ये मन नरक में लेके जाता है, सातवीं नरक में मन लेके जाता है। मन के पीछे मत चलना, मन घुमाता है। जो मन काहू से क्रोध कारत है वो मन होता क्रोध स्वरूपा, जो मन माया ही माया रटे नित वो मन होत है माया स्वरूपा। सुंदर जो मन ब्रह्म विचारत, सुंदर जो मन ब्रह्म विचारत वो मन होत है ब्रह्म स्वरूपा। जो मन नारी की ओर निहारत, जो मन नारी की ओर निहारत वो मन होत है नारी स्वरूपा। सुंदर जो मन ब्रह्म विचारत वो मन होत है ब्रह्म स्वरूपा। जो मन क्रोध करता है वो क्रोध जैसा हो जाता है, जो माया करता है वो माया में उलझ जाता है, जो विश्व विकारों में रहता है वो विश्व विकार ले जाता है। सुंदर एक कवि होता है, जो मन ब्रह्म विचार, ब्रह्म कहो आत्मा कहो चेतना कहो बीइंग कहो, उसमें मन लग जाता है तो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। यही परमात्मा की वाणी आती है कि मन की शक्ति तुच्छ है, भगवान ने फरमाया, और आत्मा की शक्ति अनंत गुना है। मन को आत्मा में लगा, बस आत्मा परमात्मा बन जाएगी। ये मन का खेल है, मन ऐसा ही है। जगत क्या है? ये जगत, ये चांद, ये सितारे, ये सूरज, ये वृक्ष, ये बाग बगीचे, ये तुम्हारा घर, ये तुम्हारा महल, ये तुम्हारी कोठी, ये तुम्हारे बच्चे, कुछ नहीं, ये सारा मन का खेल है। मन ने कहा शादी करनी है, तुम शादी कर लेते हो। मन ने कहता अमेरिका जाना, तो अमेरिका चले जाते हो। मन ने कहते पिक्चर देखनी, पिक्चर चले जाते हो। सारा मन का खेल है और कोई खेल नहीं। जो मन तुमसे चाहता है वो करवा लेता है, और तुम कहते हो मैं मालिक हूँ। तुम तो गुलाम हो, मन के गुलाम हो, मन के मालिक हो नहीं सकता। एक छोटी सी, एक ट्रेन में एक मुल्ला, आपने सुनी होगी कहानी, एक ट्रेन में एक मुल्ला सफ़र कर रहा था। एक युवक उसके पास आया, उसकी उम्र हो गई कि 22-24 साल की, मुल्ला के पास आया कि मुल्ला आपकी घड़ी में टाइम क्या है? व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच? मुल्ला ने घूर के देखा, युवक ने पूछा, मुल्ला
मैं कोई प्रश्न तो नहीं किया, मैं पूछ रहा हूँ टाइम क्या, तुम्हारी घड़ी लगी हुई है टाइम क्या है। मुल्ला ने कहा देख भाई तूने टाइम पूछा है, अब मैं आपको टाइम बताऊँ कैसे बताऊँ? यदि मैंने टाइम बता दिया दोस्ती आगे बढ़ जाएगी, फिर तुम पूछोगे तुम कहाँ रहते हो, मैं कहता मैं बम्बई रहता हूँ, फिर तुम पूछोगे तुम कहाँ घर में रहते हो, फिर तुम मैं तुम्हें निमंत्रण दूंगा, तुम मेरे घर आओगे, घर में मेरी जवान लड़की है, फिर तुम उससे बात करोगे, फिर तुम पिक्चर जाओगे, फिर तुम शादी करोगे, फिर तुम कहोगे मैं शादी करना चाहता हूँ, मैंने कसम खाई है कि जिस की लड़के के पास घड़ी ही नहीं है मैं उस बेटी की शादी नहीं करूँगा। समझ में आई बात? एक मन की कहानी है, ये मन है, इट इज द माइंड दैट मेक्स अवर वाइज आर इग्नोर एंड बाउंड आर रिमेंबर, वन इज होली बिकॉज। तुम मन पर नियंत्रण करो, मन पर कभी मन का ही रसगुल्ले खाना नहीं, आज उपवास करना है। तो मन बड़ा चंचल है, यदि आप शांत मन से सूरज को देखें, उगते हुए सूरज को देखें, तो सूरज आपके भीतर प्रवेश कर रहा है। यदि शांत मन से पूर्णिमा की चंद्रमा को चांद को देखे तो चांद तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रहा है। यदि शांत मन से बगीचे में जाकर के फूलों को देखे तो फूल तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रहा है। यदि शांत मन से समुद्र की लहरों के पास जाएं तो समुद्र की लहरें आपके भीतर प्रवेश कर रही है। शांत मन, निर्भार मन, निर्विकल्प मन होना चाहिए। हो सकता है आत्म ध्यान साधना के द्वारा हो सकता है। तो मन को कैसे समसम में मनाएं, याद करें माता माता मरु देवी, सुना होगा नाम उसका, बेटा भगवान ऋषभ दीक्षा ले लेते हैं और माँ को ममता थी कि बेटा कैसे जंगलों में रहता होगा, कैसे संयम का पालन करता होगा, भरत कभी ध्यान भी नहीं देता। माँ माँ होती है, माँ का हृदय बड़ा कोमल होता है। तो माँ ने कहा भरत मैं बेटे के पास जाना चाहती हूँ। रथ के औहदे पर बैठ के गई, चिंतन करती है कि मेरा बेटा कैसे संयम सहन करता होगा। हाथी के औहदे पर बैठी है, चिंतन कर रही है, मोह है, राग है बेटे के प्रति, राग। उधर से देव धुंध भी बजती है, अहोदान केवल ज्ञानम, केवल ज्ञान हो गया। पूछा भगवान ऋषभ देव को केवल ज्ञान हो गया। माता मरु देवी आश्चर्यचकित हो गई कि जिस बेटे की मैं राग में थी मोह में थी उनको केवल ज्ञान हो गया। बस हाथी के औहदे पर बैठी चिंतन करती, वो राग विकलित होता चला गया और वीतराग भाव बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। शुक्ल ध्यान की धारा अखंड बहने लगी, कर्म टूटते चले गए। हाथी के औहदे पर बैठी उस माँ ने कोई संयम का पालन नहीं किया, कुछ नहीं किया, केवल ज्ञान हो गया। देखिए कितनी ऊंची बात है, कितनी ऊंची बात है। इलायची कुमार जिस स्त्री के मुंह में था, परिवार छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, नट बन गया, कर्तव्य सीख लिए, कलाकार बन गया और एक संत को देखा, भिक्षा ले रहा है, एक युवती सुंदर युवती उनको आहार दे रही है और संत की नज़र नीचे है। वो नट ने देखा, रस्सी पे नाचते हुए देखा, ये कैसे भाव बदलते हैं। शादी करने वाला है, कितनी वासना भरी होगी, कितना सोचा होगा कि ये पूरा हो जाएगा तो मैं शादी कराऊंगा। ना परिवार की लाज, ना माता पिता की, ना किसी की, छोड़ करके कैसी वासना तंग करती है आदमी को। उस मुनि को देखा, ऐसा वितराग मुनि, पलट गए भाव, रस्सी पर भाव पलटते 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 सारा मुंह कफूर हो गया, वितराग भाव आ गया, शुक्ल ध्यान हो गया, रस्सी पे बैठ के क्या हो गया, केवल ज्ञान। ये सत्य घटना है, झूठ मत मान लेना। ध्यान करेंगे आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत,
सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक एक शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक एक शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो। आत्मा अजर अमर अविनाशी सत्य चित्त अनंत आत्मा, देह से भिन्न, देह में है पर देह से भिन्न है। जैसे कमल कीचड़ में रहता है, कीचड़ भिन्न है, कमल भिन्न है, कमल की डाल ऊपर रहती है। अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आत्म प्रदेशों के संचार का अनुभव कीजिए। आत्म प्रदेशों के संचार का अनुभव कीजिए। वो संचार, वो आत्म प्रदेश तुम्हारे अंग अंग, कण कण, रोए रोए, खून के कतरे कतरे में विद्यमान है। डूब जाए अपने भीतर, विचारों की उपेक्षा कर दें, मन की उपेक्षा कर दें, बुद्धि की उपेक्षा कर दें, मात्र दृष्टा जो हो रहा है उसको स्वीकार कर लीजिए। दृष्टा, इस संसार व्यवस्थित शक्ति से चल रहा है। जो भीतर है वो बाहर है, जो बाहर है वो भीतर है। अपने भीतर मंगल भावना, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। मैं आत्मा, सब में आत्मा, आत्मा में परमात्मा, आत्मा में केवल ज्ञान है। कोई छोटा बड़ा नहीं, सभी आत्माएं समान हैं। नरक के नेरिये में वही आत्मा, पशु पक्षी में वही आत्मा, मनुष्य में आत्मा, देवी देवता में आत्मा, अरिहंतों सिद्धों सब में वही आत्मा जो मुझ में है। कोई भेदभाव नहीं जी। महावीर की आत्मदृष्टि है। आत्मदृष्टि में आप रखोगे, इसमें डूब जाओगे तो चिर जाओगे। भेद में अभेद, अभेद में भेद। मंगल की कामना करेंगे। अंग अंग बहती रहे मैत्री ब्रह्म विहार। अंग अंग बहती मैत्री ब्रह्म विहार। मैत्री ही सुख शांति का ब्रह्म लोक का द्वार। मैत्री ही सुख शांति का मोक्ष पुरी का द्वार। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो उजायनंग, नमो लोए सब सावनंग, धम्म मंगल मुक्तिधम अहिंसा संयमो तब देवावी तंग नमंग संति जस धम्म से आमनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पनत्तो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पनत्तं धम्मं शरणम पवज्जामि। चारे शरण लोग।
जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर